स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्विस्ट में स्मृति शुक्ला, रोहित पुरोहित, गर्विता साधवानी के बीच नया ड्रामा देखने को मिलेगा। गणगौर पूजा के दौरान बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रूही की अरमान के लिए दीवानगी को लेकर मनीषा का शक अब यकीन में बदल जाएगा। तो वहीं जल्द ही पोदार परिवार के सामने रूही की सच्चाई भी सबको पता चलने वाली है। इन सब के बीच अभीरा का किरदार निभाने वाली स्मृति शुक्ला ने अरमान की प्रेम कहानी के बारे में एक बड़ा हिंट फैंस को दिया है सोशल मीडिया पर। और इसी के साथ शो में दिखाई देंगे 3 मेजर ट्विस्ट भी। आने वाले ट्विस्ट की अपडेट देते हैं। पहला ट्विस्ट, 16 श्रृंगार करेगी अभीरा। स्मृति शुक्ला उर्फ अभीरा ने अपने पति अरमान के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही खुलासा किया कि अभीरा ने अरमान के सामने अपनी फीलिंग्स को कबूल कर लिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में गणगौर पूजा के दौरान अभीरा अरमान को आई लव यू कह देगी। वहीं इसी बीच शेयर किए गए वीडियो में आने वाले एपिसोड की झलकियां भी दिखी हैं। वहीं गणगौर पूजा के लिए अरमान खुद अभीरा का 16 श्रृंगार करते दिखाई देने वाला है। तो वहीं रूही ये सब देख अपने कमरे में अकेले बैठकर रोती नजर आने वाली है। दूसरा ट्विस्ट, डिप्रेशन का शिकार होगी रूही। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड के इस वीडियो में अभीरा खुशी से झूमती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अरमान को भी उससे प्यार हो चुका है। दूसरे सीक्वेंस में आप देखते हैं कि कैसे अरमान अभीरा के साथ प्यार से चलता है। लोगों को दोनों का रोमांटिक पल बहुत पसंद आ रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स अरमान के लिए अभीरा के कबूलनामे को एक ड्रीम सीक्वेंस या हकीकत के रूप में दिखाएंगे। तो वहीं रूही ये सब देख बहुत दुखी होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो अरमान अभीरा को तलाक देने से मना कर देगा, या दादी सा अभीरा और उसकी शादी के लिए एक मौका मांगेगी, या फिर रूही के रिश्ते के बारे में सच्चाई बताएगा। कहा जा रहा है कि आने वाले ट्रैक में रूही का पूरा नेगेटिव रोल हो जाने वाला है, क्योंकि वो इन दोनों को साथ देकर डिप्रेशन में जरूर आएगी। और तीसरा ट्विस्ट, चारू देव की लव स्टोरी का होगा खुलासा। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि कैसे रूही अरमान को पाने के लिए कितना नीचे गिर जाती है, जब वो अभीरा का गणगौर दुपट्टा चुरा लेती है जिस पर अरमान का नाम लिखा होता है। जब अभीरा अपना दुपट्टा खोज रही होती है तब ये दिखाया जाएगा। रूही खुद को अरमान की पत्नी के रूप में कल्पना करते हुए दुपट्टा ओढ़ लेगी। आने वाले एपिसोड में ये भी देखने को मिल सकता है कि कैसे रूही अभीरा को पोदार हाउस से निकालने के लिए चारू और देव की लव स्टोरी का इस्तेमाल करेगी। अभीरा को चारू और देव के बारे में सच्चाई पता है, लेकिन वो चारू के बोलने पर इसे पोदार से छिपा देती है। वही रूही ये सब बातचीत सुन लेती है और अब वो चारू देव की लव स्टोरी का खुलासा सभी के सामने कर देगी।